यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी। कुछ करने का जज्बा हो तो हर मुश्किल पर जीत निश्चित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक 11 युवा साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। मंगलवार को यह इंदौर में आए और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। निकले क्या संकल्प लेके निकले? ये हमारी यात्रा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकली है। ये महात्मा गांधी के पर्यावरण और शहीद सम्मान के लिए यात्रा निकली हुई है। यह यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य करमवीर सत्यदेव सिंह, जो विकट 2 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया, उनके 2 पुत्र डॉक्टर प्रोफेसर आनंद सिंह और डॉक्टर सानंद कुमार सिंह, तो सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर और CMD आनंद सिंह, उनका यह मिशन था, उनके पिताजी का सपना कि महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर हम पदयात्रा या ये साइकिल यात्रा निकालेंगे। तो उन्हीं संकल्पों को लेकर हम उनके विचार में मन आया और हम लोग उनसे पहले से ही जुड़े रहे इस पर्यावरण के मुद्दे के लिए, तो उन्होंने ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए निकालने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया। हम लोग पहले से ही जागरूक थे इस कार्यक्रम करने के लिए। कितने साथी हैं आपके साथ में? हमारे साथ हैं ये लोग, ये साथी हम लोग 11 लोग हैं और साथी हमारे जो आए 9 लोग हैं, वो एक साथी मिर्जापुर का था और 2 साथी हमारे ये पीयूष महाजन और सुरेश सोलंकी, ये इंदौर से ही है और बाकी सब गाजीपुर से ही। कहाँ कहाँ से अभी तक आप यात्रा में होकर आ चुके हैं? हम जम्मू से होकर पंजाब होते हुए चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली होते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश भोपाल में और इंदौर में आज पहुंचे हैं। कितने दिन आपको हो चुके हैं और पूरी यात्रा समाप्ति में कितना समय लगेगा? हमको सर 1 महीना 10 दिन हो गया है और 30 जनवरी को यह कन्याकुमारी में हम समापन करेंगे। आपका नाम बताओ? हमारा नाम मनोज कुमार यादव है। एक इंदौर वाले भैया का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 5000 किलोमीटर की यात्रा करना आसान नहीं होता और वह भी जब साइकिल से अलग अलग राज्यों में विपरीत मौसम और परिस्थितियों में की जाए, यह सोचकर ही लोग सहर उठेंगे। लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए 11 युवाओं ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर को गांधी चौक जम्मू से अपनी यात्रा शुरू की। जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश पहुंची भोपाल से इंदौर आए युवाओं में देश प्रेम का भरपूर जोश दिखा। इस यात्रा में 2 साथी इंदौर के भी है। यह सभी युवा ग्रीन इंडिया की तर्ज पर ज्यादा पेड़ लगाने का संकल्प दे रहे हैं। 4 महीने में यह यात्रा पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रतिदिन 50 से 70 किलोमीटर का सफर यह लोग तय कर रहे हैं। इंदौर के बाद नासिक, मुंबई, बेंगलुरु होते हुए 30 जनवरी को कन्याकुमारी में इस यात्रा का समापन होगा। यात्रा निकाल रहे हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, क्या उद्देश्य और कैसे इसकी प्रेरणा मिली आपको? ये सब प्रेरणा और उद्देश्य सर का था, हमको सपोर्ट देना था। हम इसके पहले जो यात्रा करके आए थे उसकी मनमोजी थी, तो हमें पता चला कि यार ऐसा भी हो रहा है, देश के लिए इतना भी हो रहा है, तो हमने कहा क्यों नहीं हम भी साथ दें। बस हमने सोचा और हम निकल गए, हमने इतना सोचा क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, बस हम निकल गए। आप इंदौर के रहने वाले हैं तो कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इंदौर में आकर इस प्रकार की यात्रा निकालने के? बहुत ही मेरे को अच्छा लग रहा है कि ये यात्रा इंदौर से निकली और ये यात्रा निकली है यहाँ से, तो मैं सब चाहता हूँ बताना चाहता हूँ अपना सिटी ग्रीन है तो उसको ग्रीन भी बनाया गया, क्योंकि मैं जहाँ बाहर घूमता हूँ भूटान में, वहाँ पर 0 कार्बन है। भूटान बहुत छोटा शहर है, देश है, और अपने यहाँ पर तो एक राज्य के बराबर होगा। जब वो 0 हो सकता है कार्बन में, तो अपना देश भी हो सकता है। और सभी एक पौधा पेड़ लगाए, आपके किसी बच्चे के जन्मदिन पे लगा दें, किसी की शादी उस पर लगा दें, इससे जब बच्चा बड़ा होगा फल खाएगा तो वो याद रखेगा कि यार मेरे पापा ने मेरे लिए इतना करा है, और उसको ऑक्सीजन भी मिलती रही। काफी लंबी यात्रा है, क्या क्या कठिनाइयाँ आई है? कठिनाइयाँ कुछ भी नहीं है, हमारी जो यात्रा थी उसमें थोड़ा बहुत था, पर इसमें कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि जब देश वाले साथ में है तो फिर कोई कठिनाई है। इन सब चीज़ों के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग, या किसके द्वारा आपको कोई सहायता दी जा रही है? डॉक्टर सानंद सिंह जी के द्वारा बहुत सहायता है, और बाकी डोनेशन भी है, और बाकी अपना देश इतना बड़ा है कि यहाँ पे आपको सेवा की कमी नहीं है। आप किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाएंगे, आपको सेवा के लिए मना नहीं होगा, अपना धर्म तो सबसे बड़ा यही है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम पीयूष महाजन है और मेरा फ्रेंड भी है सुरेश सोलंकी, जो इंदौर से कम है।